आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधु, आज हम इस वीडियो में रूप चौदस, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य ठाकुर जी की कृपा से रूपवान, कांतिवान व अद्भुत तेज को प्राप्त करता है। इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को पाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी या रूप चौदस के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर 16,100 कन्याओं को उसकी कैद से मुक्ति दी थी। इस दिन भगवान कृष्ण को पुष्प और अक्षत चढ़ाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वासुदेव सुतम देव नरकासुर भेदनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से रूप, कांति व तेज की प्राप्ति होती है। कहते हैं एक समय हिरण्यगर्भ नाम के नगर में एक योगी राज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें अपने तन तक की शुद्ध ना रही और समाधि की अवस्था में उनके बालों में, उनकी बोहों में, आँखों की पलकों पर जुए जम गई। दीमक ने उनके शरीर को अपना घर बना लिया। इससे योगीराज अत्यंत दुखी हुए। इतने में वहाँ नारद जी पहुँचे। योगीराज ने नारद जी से कहा, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, लेकिन मेरी यह दशा हो गई। तब नारद जी ने कहा, तुम प्रभु का चिंतन करना तो जानते हो, पर देह आचार पालन नहीं जानते, इसलिए तुम्हारी ये दशा हुई है। अब जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा ही करना। अब की बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को तुम व्रत रख भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना। उस पूजा से तुम्हारा शरीर पहले जैसा रूपवान हो जाएगा। नारद जी के कहे अनुसार योगी राज ने वैसा ही किया और स्वर्ण जैसी देह को पाया। उसी दिन से इसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इसलिए आज के दिन प्रातःकाल देह पर तेल की मालिश कर जल में अपा मार्ग, जिसे चिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, कि पत्तियां डालकर स्नान करना चाहिए। इससे रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है व शरीर कांतिवान बनता है। बंधुओं, रूप चौदस को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले रंती देव नाम का एक राजा हुआ था, जो कि बड़ा ही धर्मात्मा और दानी था। उसने अपने जीवन काल में कोई भी पाप नहीं किया था, परंतु जब राजा का अंत समय आया तो उसने अपने समक्ष यम दूतों को खड़ा देखा। यम दूतों को देख राजा अचंभित हुआ और बोला, मैंने अपने जीवन काल में कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया कि जिसके फल स्वरूप तुम मुझे लेने आए हो,
क्योंकि तुम्हारे यहाँ आने का अर्थ है कि मुझे नरक में जाना होगा। कृपया मुझे मेरा अपराध बताइए। तब यमदूत बोले, राजा, एक बार एक ब्राह्मण तुम्हारे द्वार से भूखा प्यासा चला गया। तुमने वाणी द्वारा भी उसका सत्कार नहीं किया। यह उसी पाप कर्म का फल है कि तुम्हें कुछ समय नरक में रहना पड़ेगा। राजा ने यमदूतों से कुछ समय मांगा जिससे कि वह अपने पाप का प्रायश्चित कर सके। यमदूतों ने राजा के कहे अनुसार उसे जीवन का कुछ समय दिया। राजा ने अपनी समस्या अपने पुरोहितों को बताई और उस पाप का प्रायश्चित कैसे हो पूछा। तब पुरोहितों ने राजा को कहा, राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करो, ब्राह्मणों को भोजन करवा, उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करो। राजा ने वैसा ही किया और राजा अपने पाप से मुक्त हो विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसी दिन से पाप और नरक से मुक्ति के कारण कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर इस कथा का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को पाता है। बोलो कार्तिक के ठाकुर जी की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इसी के साथ नरक चतुर्दशी रूप चौदस अथवा छोटी दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।